हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है डिंपल निधि के किचन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि नवरात्रि चल रही है तो मैं नवरात्रि की रेसिपी बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सवा के चावल की तहरी। तो सवा के चावल की तहरी के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा सवा का चावल भिगो दिया है आधे घंटे पहले से, और 2-3 टमाटर मैंने काटे हैं, धनिया हरी है, मिक्स ड्राई फ्रूट है, और थोड़ा सा मखाना मैंने अलग से भी लिया है, 2-3 हरी मिर्च मैंने काटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर हमने चढ़ाया है और उसमें हमने डाला मूंगफली का ऑयल। इसमें हम ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम तड़का देंगे जीरा और हरी मिर्च का मसाला। जो भी आप व्रत में खाने का प्रयोग करते हैं वो आप करिए। मैं यहाँ पर वही धनिया जीरा मिर्चा मसाले में डालूँगी। काली मिर्च है, ये धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है। मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि मैं मसाला पाउडर नहीं यूज़ करती हूँ। मैं नवरात्र के पहले खड़े मसाले लाती हूँ और उसको कढ़ाई में सेक कर पीस के थोड़ा थोड़ा डिब्बे में कर कर रखती हूँ, उससे मैं बनाती हूँ। मैं बाहर का पाउडर पिसा नहीं प्रयोग करती हूँ। तो मसाला मेरा भुन गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डाल के 2 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। मीडियम फ्लेम ही होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा मसाला रहता है फुल फ्लेम पे जल जाएगा। आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, तो मैं आलू अवॉइड करती हूँ। तो आलू की जगह पर मैं यहाँ पर मैंने 2 खीरे काटे हैं, मैं खीरे डाल रही हूँ। आप चाहे तो आलू भी डाल सकते हैं, मूंगफली भी डाल सकते हैं। मूंगफली मैं इसलिए नहीं डाली हूँ, मैंने सुबह ही मूंगफली खाई है, तो मैंने खीरा डाला है। मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ इसमें। ड्राई फ्रूट खीरा डालकर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे जिससे मसाला एब्जॉर्ब हो जाए मखाने में। और इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक स्वाद अनुसार। सेंधा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे सवा का चावल। फ्रेंड्स, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करिएगा, और प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करिए, आधे पे मत छोड़ा करिए। तो यहाँ पर सवा का चावल डालकर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हम डालेंगे पानी, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे हरी धनिया। बस अब इसको हम बस एक सीटी आएगी जिसको हम बंद कर देंगे। देखिए सीटी मेरी आ चुकी है, अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग अगर व्रत हैं 9 दिन का तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग ज़रूर एक बार बनाइएगा। बहुत अच्छी तहरी बनती है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए तहरी कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है। पनीर को हम कद्दूकस से घिस लेंगे और ऊपर से इसको क्रस करके ऐसे हम पनीर तहरी में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर आलू का पापड़ सेका है, दही है, आम पुदीने की चटनी है, और यहाँ पर ऐसे आप क्रश करके पनीर डाल दीजिए। कच्ची पनीर फ़ायदा भी बहुत करती है। तो है ना एकदम पौष्टिक और स्वादिष्ट तहरी। तो 9 दिन जो भी व्रत हो तो ज़रूर एक बार फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और आपको जय माता दी, थैंक यू।